YouTube वीडियो को अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कैसे करें? YouTube वीडियो से आप MP3 जो होती है उसको अलग कैसे कर सकते हैं? जे सब कुछ आज की वीडियो में मैं इन डिटेल आपको बात करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा भी YouTube वीडियो को कितने पिक्सल में आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो, तो उसको पूरा इन डिटेल में बताऊंगा बिना किसी ऐप की मदद से। आपको लाइव आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और 2 मिनट के अंदर आपको वीडियो को डाउनलोड करके दिखाऊंगा और वीडियो से MP3 को कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो बने रहो मेरे चैनल पे। ठीक है फ्रेंड, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जहां पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक कोई भी एक जूरल ले लेता हूँ अपनी YouTube वीडियो से, ठीक है, किसी गाने का मान लो ले लेता हूँ या किसी वीडियो का आपके सामने मैं जहां से ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये कोई भी एक चीज ले लेता हूँ, जैसे ये एक सॉन्ग है, इस सॉन्ग को मैं यहाँ से स्टॉप करके इसका यूआरएल में कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी लिंक कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली अपने गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपने सर्च बार में क्या डालना, बाई टी वन एस, ठीक है। इसको आपने जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने जो फर्स्ट में एक लिंक ओपन होगा, फर्स्ट वाला लिंक आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इस तरह की ये मतलब के पेज ओपन होगा। इसमें ये बताया गया है भी YouTube वीडियो डाउनलोड कैसे करनी है, जहां पे आपने लॉन्ग प्रेस करके जहां से आपने वो जूरल जो आपने कॉपी किया था जहां से पेस्ट कर देना और कन्वर्ट पे ओके कर देना है। जैसे कन्वर्ट के ऊपर ऑप्शन पे ओके करोगे तो आपके सामने जहां पे MP4 वीडियो, जहां पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे भी आप कितने पिक्सल में आपको इनको ये वीडियो डाउनलोड करनी है, 720 पिक्सल में, ताकि आपके पास जो भी आपका डाटा है वो भी सेव रह सके, ठीक है। जहां पे मैं कम से कम 5 MB वाला कर लेता हूँ और जहां पे गेट लिंक पे ओके करना है। जैसे गेट लिंक पे ओके करेंगे जो तो कन्वर्टिंग आपके सामने शो हो रहा है, कन्वर्टिंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, जैसे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नीचे आपको शो हो रहा है ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड अगर आपने क्या करना है, इसको इस वीडियो से आपने सिर्फ MP3 को अलग करना है, तो आपने YouTube MP3 लिखा हुआ है, जहां पे आपने YouTube MP3 पे क्लिक करना है, जहां पे आपने लिंक को पेस्ट कर देना है, जहां पे जो आपने लिंक को कॉपी किया था, यूआरएल कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद जहां गेट लिंक पे ओके करना है और जहां थोड़ी एड आती है इसको आप बैक कर देना। ये देखो नीचे डाउनलोड हो चुकी है वीडियो, मैं इसको ओपन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जहां पे आपने डाउनलोड पे ओके कर देना है तो ये भी डाउनलोड होना शुरू हो गया। ये देखो फ्रेंड मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये पहले बार डाउनलोड हो गया, जहां से आप वीडियो को देख सकते हो ये आपकी गैलरी में जा चुका है, ठीक है फ्रेंड। जहां से प्ले करके आप बड़े आराम से देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से MP3 सॉन्ग भी यहां से डाउनलोड हो चुका है, जहां से आप इसको इजिली सुन सकते हो, देख सकते हो। तो इसके बाद मैं आपको गैलरी में भी दिखाऊंगा भी गैलरी में ये कहां जाता है, ताकि आपके पास लाइव प्रूफ पहुंचना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड। ये देखो यहाँ पे मैं वीडियो पे जाता हूँ, वीडियो पे जाने के बाद जहाँ पे मैं आपको ये सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ, जो सॉन्ग जो वीडियो अभी हमने डाउनलोड किया, ये देखो फ्रेंड ये मेरी गैलरी में आ चुका है। इसी तरीके से MP3 भी सॉन्ग अपनी उसमें गैलरी में आ जाएगा, माई म्यूजिक में जाके जहाँ से आप अपना इसको चेक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेंड ये मेरी वीडियो पसंद आई है। आप सबको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड।